नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं बिहार के गोपालगंज जिले में आज जल जीवन हरियाली और नशा मुक्ति के समर्थन में एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ मानव श्रृंखला को सफल बनाने को लेकर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जिलाधिकारी अरशद अजीज, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी और सभी आला अधिकारी से लेकर गोपालगंज में शहर से लेकर गांव-गांव तक बनने वाली मानव श्रृंखला में पूरे जोश के साथ स्कूली बच्चों से लेकर आम आदमी तक ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि गोपालगंज में बनने वाली मानव श्रृंखला 465 किलोमीटर की थी। जिले के सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल थे। यहां तक कि मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए महिलाओं ने भी पूरे जोश के साथ हिस्सा लेती हुई दिखाई दी। वास्तव में जल जीवन हरियाली नशा मुक्ति के समर्थन में एवं दहेज प्रथा बाल विवाह के खिलाफ में किया गया यह मानव श्रृंखला आज पूरे देश विदेश में बिहार के नाम का परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता के दिल से आवाज निकलती हुई कहती है, बधाई हो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने बिहार में एक इतिहास रच दिया जो पूरे देश विदेश में एक मिसाल कायम हो गया है। जनता की आवाज, बधाई हो नीतीश कुमार जी। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट।